नमस्ते, आदाब और शुक्रिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुरुजी ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तो आप परीक्षा ऐप को इंस्टॉल करें। लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हमारा कोड उपयोग करके आप 40% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप सामने दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। दोस्तों, एक बड़ा अपडेट यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। बीयू ने विचार विश्वविद्यालय की बीएड और बीपीएड की मान्यता रद्द कर दी है। बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है सभी बच्चों के लिए, सभी युवाओं के लिए जिन्होंने बीएड में एडमिशन लिया हुआ है, कि भाई जब आपके पास जो है मान्यता नहीं थी तो आपने प्रवेश दिए क्यों यहाँ पर। ये सवाल बहुत बड़ा यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है बीयू के लिए। लेकिन मैं बता दूँ आपको कि इसमें क्या हो सकता है और क्या पूरी प्रॉब्लम है, इसको हम लोग यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या पूरी प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीयू सहित 4 विश्वविद्यालय की बीएड और बीपीएड की मान्यता रद्द कर दी है एनसीटीए ने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने ये कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि प्रवेश नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीयू देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा व रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में जो भी संचालित होने वाले बीएड और बीपीएड हैं, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो इसको जो है राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परिषद एनसीटीए ने निरस्त कर दिया है। अब ये विश्वविद्यालय बीपीएड में प्रवेश नहीं दे पाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने बीयू के बीएड में प्रवेश निरस्त कर दूसरे कॉलेजों में विद्यार्थियों को शिफ्ट कर दिया है। मान्यता खत्म करने का कारण इन विश्वविद्यालय में एनसीटीए के मानदंड पूरे नहीं करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एमपीएड और बीपीएड को लेकर सवाल आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और जो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक और खबर इसी से रिलेटेड निकल के सामने आई है, तो उसको और पहले हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिएगा, बीएड की मान्यता रद्द होने के बाद कमियाँ दूर करने के लिए बीयू ने एआईसीटीई से मांगा समय। तो ये देखिए, यहाँ पर एआईसीटीई इन्होंने बोला है, लेकिन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से समय मांगा है बीयू ने। संचालित बीएड कोर्स की जो मान्यता है उसको खत्म कर दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये गलत लिखा हुआ है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन होना था। लेकिन चलिए, वो सब ठीक है, बट यहाँ पर उन्होंने समय मांगा है। लेकिन यहाँ पर जो जवाब निकल के आए हैं, अजीत कुमार श्रीवास्तव रजिस्ट्रार हैं बीयू के, उनका क्या कहना है देखिए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे पास बीपीएड के लिए 50 सीटों की सुविधा है जो सुचारू चल रही है। हमने एआईसीटीई को बीपीएड की सीट बढ़ाने आवेदन नहीं दिया है, कोई गलतफहमी हुई है। बीएड फैकल्टी व अन्य मापदंड पूरा करने के लिए एआईसीटीई को पत्र लिखकर समय मांगा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीयू की जो बीएड है उसकी मान्यता रद्द होने के बाद बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है जिन लोगों ने बीएड में एडमिशन लिया है। बट हमारा ये कहना है कि बच्चों के साथ बिल्कुल भी यहाँ पर उनके भविष्य के साथ नहीं खेला जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैसे में ये बीएड कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रनिंग बीएड में, जिन्होंने टीचर्स के लिए आवेदन किया है, टीचर के जो वैकेंसी निकली थी उसके लिए, इसके लिए जो है यहाँ पर इस प्रकार का जो भी है बीयू को जो भी सुविधाओं में कमी है उसको कंप्लीट करना चाहिए। और जिससे कि जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो कमियाँ हैं पूरी हो जाएँ और मान्यता फिर से यहाँ पर बीयू को मिल जाए। आप लोग किस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर किया है तो किस यूनिवर्सिटी से किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर इतना कीजिएगा कि सभी लोगों को ये मालूम चल सके और बीयू जल्दी से जल्दी अपनी कमियों को ठीक करके यहाँ पर फिर से जो है एनसीटीई उसको मान्यता प्रदान कर दें। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।